आतंकी संगठनों के गाइड हाजी आरिफ से सुरक्षा बलों ने किया ढेर, पाकिस्तानी सेना में भी रह चुका है शामिल। ईडी की रडार पर शिवसेना नेता अर्जुन खोदकर के घर पर छापेमारी, आर्थिक गड़बड़ी का है आरोप। ठाणे कोर्ट ने परमवीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट रद्द किया। किसान आंदोलन पर केजरीवाल ने मोदी सरकार को घेरा, कहा केंद्र को लगता था किसान चीखेंगे, चिल्लाएंगे और चले जाएंगे। परिवारवाद पर पीएम मोदी का हमला, कहा खुद लोकतांत्रिक कैरेक्टर खोने वाले दल लोकतंत्र की रक्षा कैसे करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पेशवेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। सोनभद्र के म्योरपुर ब्लॉक के पास मकरा गांव में लगातार हो रहे मौतों के आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव शत्रुंजय मिश्रा की अगुवाई में सीएमओ कार्यालय पहुंचकर मलेरिया निरीक्षक को बर्खास्त करने की मांग कार्यकर्ताओं ने की, साथ ही सीएमओ का स्थानांतरण करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मृतक परिवार वालों को आर्थिक रूप से मुआवजा देने की मांग की है। सचिव शत्रुंजय मिश्रा ने कहा कि मलेरिया निरीक्षक की लापरवाही से लगभग 16 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य व्यवस्था फेल है, मलेरिया से बचाव के लिए कोई जरूरी कदम नहीं उठाया जा रहा। आज के दिन पूरे भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में सोनभद्र डीएवी पब्लिक स्कूल रेहंद नगर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संविधान दिवस मनाया गया। विद्यालय के प्राचार्य राजकुमार ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताया कि संविधान सभा में 299 सदस्य थे और इसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। विद्यालय के शिक्षक मनोज पांडे ने छात्र छात्राओं सहित समस्त शिक्षकों को संविधान की शपथ दिलवाई। शपथ लेने के दौरान छात्र छात्राओं ने भारत माता के नारे भी लगाए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कल रायबरेली पहुंच रही हैं और केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी रायबरेली के दौरे पर जिला को बड़ी सौगात देगी। स्मृति ईरानी कल यहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम की नए भव्य बिल्डिंग का उद्घाटन भी करेंगी। शहर के प्रगतिपुराम कॉलोनी में बनाई गई इस SI की भव्य बिल्डिंग की असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए वरदान साबित होगी। बता दें कि बीते जुलाई महीने में जिला विकास व अनुश्रवण समिति की अध्यक्ष बनने के बाद इसी पर स्मृति ईरानी कल पहली बैठक करने आ रही हैं और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा भी देंगी। इसका कार्यक्रम यह है कि कल केंद्रीय मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी इसका 11 से 12 बजे के बीच में उद्घाटन करेंगी और सारा निरीक्षण करेंगे हमारी डिस्पेंसरी का। उसके बाद एक सभा है, सभा को संबोधित करेंगी। संगठित क्षेत्र के श्रमिक, चूँकि ये बिल्डिंग ऐसी जगह पे है जहाँ उनको आना जाना आसान है और पर्याप्त स्पेस है बैठने के लिए। किराए की बिल्डिंग में उतनी जगह नहीं थी, उनको आने में भी प्रॉब्लम होती थी, दूर था। अब यहाँ अपनी बिल्डिंग है, सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई बिल्डिंग के हिसाब से, तो उनको बहुत बड़ी। सुल्तानपुर में सरकारी जीर्ण बिल्डिंग को लेकर कई बातें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि बिल्डिंग को लेकर लापरवाह सचिव पायलट ने कई आरोप लगाए हैं। सचिव पायलट ने ग्रामीणों पर बिल्डिंग गिराने और पेड़ काटने का फर्जी आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवा दिया। फिलहाल पीड़ित ग्रामीणों ने जिलाधिकारी ने न्याय गुहार लगाकर मामले के निष्पक्ष जांच करवा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला यह था कि संगमलाल मिश्रा ने हमारे गैरेज पे थोड़ा जबरन दीवार घिस दिए थे, उसी को तोड़वा के हमने सीधा करवाया। मामला यही है, अब सीधा हो गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसी पर तहरीर दिए हैं। तो सरकारी ज़मीन पर कोई गोदाम बना हुआ था, उसको किसी ने गिरा दिया था। हालांकि उसमें विभागीय थोड़ी शिथिलता के कारण समय लगा, पर जब ये मामला संज्ञान में आया उस समय किया गया था जब पूरा जनपद व्यस्त था, एक बड़े आयोजन में उसके बीच ये कार्य किया गया था और विभागीय अधिकारियों ने लचरता दिखाई। संज्ञान में आया तो उसमें जो भूमाफिया के विरुद्ध FIR भी दर्ज कराई गई है और उसके जमीन की जो है SDM साहब पड़ताल करके उसकी सही।
बांदा में एक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी मिलने पहुंचे। यहां पीड़ित परिवार से मिलने के बाद पीड़ित माता पिता से मिलकर हर संभव सहयोग दिलाया। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कल महोबा में प्रियंका गांधी आ रही है। अमन को न्याय दिलाने के लिए उनके माता पिता अस्थि कलश के साथ अशोक लाट पर अनशन कर रहे हैं और इसी अनशन स्थल पर उनसे मुलाकात की जाएगी। मैं माननीय अपनी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा जी से कल महोबा में बात करूंगा और पूरी बात उनको बताऊंगा कि ये मामला है, ये जवाब तो प्रियंका गांधी जी आ रही हैं उसका है। अब जहां तक मृतक परिवार का सवाल है, वो धरने पे बैठा है, हम मृतक परिवार के साथ है, पूरी पार्टी के साथ है, हमारे जिलाध्यक्ष जी, महिलाध्यक्ष जी, पूरे तो सारे लोग साथ में हैं। और जो आज एक नई चीज यहाँ मिली वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने देखी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत से ऐसी पॉइंट्स हैं जो कि एक प्रिंटेड जो विभागीय या सरकारी फार्म भरा गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मतलब वो फार्म भरा गया है, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लैंक छोड़ दी, खाली छोड़ दी गई है, कुछ उसमें भरा ही नहीं गया, एक हाँ या ना, कारण क्या है कुछ नहीं लिखा, तमाम ऐसी चीजें उसने छोड़ दी गई जिससे एक अपने आप शंका उत्पन्न हुई। आपने अभी डॉक्टर से बात किया था? श्री अतुल वर्मा डॉक्टर से बात की तो वो मेरे ऊपर बहुत नाराज हो रहे थे कि आपको जो बात करना है यहाँ आकर के मुझसे बात करना चाहिए, तो फोन तो बात नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा भाई मुझे अधिकार है आपसे बात करने का, कहीं से भी बोले मैंने जो पोस्टमार्टम किया है इससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। मैंने कहा मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपने ब्लैंक क्यों छोड़ दिया, उसमें जो लिखा हुआ है आपका फार्म है, आपके विभाग का फार्म है, सरकार का फार्म है। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लालगंज क्षेत्र में चोरों का आतंक दिखाई दिया और इन्हीं शातिर चोरों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने एक्शन लिया। कोतवाली लालगंज ने मुखबिर की सूचना पर एक्शन लिया और पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 11 बाइक को भी बरामद कर लिया है। इसी के साथ पुलिस का कहना है कि पकड़े गए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की जाँच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय के निर्देशन में एक टीम थाना लालगंज में बनाई गई थी। अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में, मेरे देखरेख में थाना अध्यक्ष लालगंज के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा एक बहुत बड़ी सफलता वाहन चोरों पे प्राप्त हुई है, जो प्रभा मैरिज लॉन और सरस्वती शिशु मंदिर से मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसमें सीसी फुटेज के आधार पर चोरों को चिन्हित कर किया गया। उन चोरों से लगातार पूछताछ करके उनके बताए स्थान पर आज 25/26/11 रात्रि में 11 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसमें 2 मोटरसाइकिल प्रभा मरीला सरस्वती विद्या मंदिर व 2 मोटरसाइकिल कोतवाली क्षेत्र से चोरी होने का शिनाख्त हुआ है। बाकी 7 मोटरसाइकिल के बारे में भी चिन्हित किया जा रहा है, इनके विरुद्ध मुकदमा लिख करके। मिर्जापुर में मंडली अस्पताल में दवा की कमी से परेशानी हो रही है। अस्पताल में इलाज करवाने वाले मरीजों और तीमारदारों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी अस्पताल में दांत दर्द की भी दवा ना होने के कारण मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं इसी परेशानी का पता चलते ही चिकित्सा अधीक्षक ने जानकारी दी और कहा कि मरीजों को जल्द ही दवा उपलब्ध कराई जाएगी। दिक्कत यह है कि मरीज लेके आए हैं उसको सीने में दर्द है। अच्छा जी, वहाँ से लेके हम इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, मिर्जापुर जिले में आए हैं। अच्छा, जो कि यहाँ की दवा, कुछ दवा यहाँ से देते हैं, कुछ लोग बाहर से मंगाते हैं। कल से ले आए हैं, मान लीजिए मरीज को तो हमारे आराम तो है, लेकिन दवा जो है बाहर से लेना पड़ता है कुछ लोग। अब तो हमारे पास पर्ची तो नहीं है, हो गई नहीं तो हम दिखा देते, पर्ची हमारे पास है जो इंजेक्शन भी लिखे थे। दवाएं हमारे यहाँ नियमित रूप से मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन द्वारा सप्लाई की जाती हैं, जो कि जनसाधारण को बंटवाई जाती है आवश्यकता अनुसार, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार। और इसके संबंध में मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन को समय समय पर अवगत कराया जाता रहता है कि ये दवा की कमी है, ये दवा और भेज दीजिए। उनमें से जो उनके पास उपलब्ध होती है वो भेजते रहते हैं, जो नहीं आती है उनके लिए उनको फिर रिमाइंडर लिख दिया जाता है। और अभी हाल में मेडिकल कॉलेज होने के बाद से
मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा भी हमसे डिमांड मांगी गई है, जो कि भेज दी गई है उनको गूगल शीट पर। आशा है कि बहुत शीघ्र ही दवाइयाँ और उपलब्ध हो जाएंगी। दिक्कत यह है कि मरीज अपनी 19 मांगों को लेकर फरीदाबाद के जिला उपायुक्त कार्यालय के आंगनबाड़ी वर्कर यूनिट की महिलाओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी महिलाओं का कहना है कि उनकी 19 मांगे हैं जिसे सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया है। वहीं पोषण ट्रैक्टर को लेकर भी उन पर दबाव बनाया जा रहा है। महिलाओं ने कहा कि इससे पहले भी 3 दिन तक हड़ताल करके अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए सरकार को ज्ञापन दिया था, पर सरकार ने अभी तक बातचीत करने के लिए भी नहीं बुलाया। जो 2018 में हड़ताल हम लोगों ने करी थी उस पर 12 सूत्रीय मांग पत्र भी सरकार ने सहमति जताई थी, जो कि आज तक की वादा पूरा नहीं किया है। इसी को लेके हम दोबारा से रोज प्रदर्शन पर उतरे हैं यहाँ पे, और 7 तारीख तक हमारे को सरकार बातचीत के लिए नहीं बुलाती है, तो हम 8 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अगर सरकार हमें बुला लेती है बातचीत के लिए तो हम ये धरना यही खत्म कर देंगे, नहीं बुलाती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए 8 तारीख से हम धरने पर बैठ जाएंगे। हमारी 19 मांगे हैं। मऊ के जिला अस्पताल में मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। मरीज की मौत पर परिजनों का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर ना होने से और ना इलाज मिलने की वजह से मौत हुई है। बता दें कि सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय भी मरीज को देखने के लिए पहुंचे थे। वहीं परिजनों के हंगामा करने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसी के साथ CMO ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फतेहपुर में अज्ञात चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। शातिर चोरों ने होटल के पास खड़े ट्रक से 14,000 रुपए निकाल लिए और पैसे लेकर फरार हो गए। बताया गया है कि शातिर चोर ट्रक का शीशा तोड़कर पैसे लेकर फरार हो गए थे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने फौरन कार्रवाई शुरू कर दी और पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज भी कर लिया है। तहरीर के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। हमारी गाड़ी में छोटा भाई हमारा सो रहा था, रात में 2-2.5 बजे ज्ञात लोग आए, पैसा छीन के 14,700 देखे भाग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और चंडीगढ़ मंडल की ओर से हर साल की तरह इस बार भी विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला विश्व विरासत सप्ताह का आयोजन हुआ। सभी उपमंडल के कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इसी के तहत सूरजपुर उपमंडल के पास आने वाले परिसर में स्थानीय विद्यालयों से आए हुए छात्र छात्राओं के बीच प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न छात्रों ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा सांत्वना पुरस्कार भी प्राप्त किए और सभी छात्रों को यह सहभागिता प्रमाण पत्र भी दिया गया। बुलंदशहर में इरफान हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 2 दिन पहले गोली मार कर की गई व्यक्ति की हत्या की गई थी और पैसों के लेन देन को लेकर व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया था। वहीं आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और 1 मॉडिफाइड राइफल बरामद हुई है और अब पुलिस हत्यारोपी पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। एक विवाद 2 पक्षों के बीच में हुआ था, जो शरीफपुर भैसरोली गांव के थे, आपस में पड़ोसी भी थे, और बाल काटने के लिए जब पीड़ित पक्ष जो इसमें है उसको बुलाया तो उसने इस बात पर मना कर दिया कि तुम्हारे पुराने पैसों का बकाया अभी भी है, इसलिए हम बाल नहीं काटेंगे। इसी बात पर नाराज होकर अभियुक्तों में से एक समीर ने घर में ऊपर जा कर के अपने बाबा ग्रैंडफादर की लाइसेंसी राइफल से फायरिंग की, जिससे गोली इरफान को लगी, उसकी मौत हो गई मौके पे ही। उसके एक भाई इमरान के पैर में चोट आई, तो 4 लोगों को नामित किया गया था इस प्रकरण में, जिसमें 3 मुख्य अभियुक्त समीर, साहिद और आरिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त राइफल की बरामदगी कर ली गई है। लाइसेंसी के विरुद्ध भी 30 आर्मसाइट का अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है।
अंबेडकर नगर के पुंथा चौराहे के पास अवैध संबंध के शक में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पूरे मामले की जानकारी दी जा रही है और कि मृतक के अपने दोस्त की पत्नी के साथ संबंध थे और इसी शक में उसके घर आरोपी दोस्त ने हत्या को अंजाम दिया। हत्या करने के बाद आरोपी दोस्त ने घटना को बदलने के लिए उसे दुर्घटना का रूप दे दिया। इस पूरे मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच ने शातिर अपराधी को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 ने गाड़ियों के शीशे तोड़ने वाले आरोपी को फरीदाबाद के पल्ला से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से कई बैग, एक लाइसेंस रिवॉल्वर, 5 जिंदा कारतूस, देसी कट्टा भी बरामद किया। डीसीपी क्राइम नरेंद्र कादयान ने जानकारी देते हुए बताया कि ये आरोपी अब तक 25 वारदातों को अंजाम दे चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई करने वाली है। ये तकरीबन पहले भी 20-25 वारदातों में संलिप्त है, जो कि बार बार जेल जाता है, फिर जमानत पे बाहर आ जाता है और आते ही यही वारदात करता है। अब इसको CIA 30 ने, इंस्पेक्टर विमल ने इनको अरेस्ट किया है, जिसने 24-25 वारदातें एडमिट की हैं, जो कि बड़ी गाड़ियों को टारगेट करता था, गुलेल से ये टारगेट करता था, गुलेल से शीशा तोड़ता था गाड़ी का और जो भी उसके अंदर सामान होता था, बैग वगैरह जितना भी कीमती सामान, वो सब चुरा लेता था ये और अपने आयासी में अपने परिवार में सारा पैसा खर्च करता था। ये पैसा तो कम से कम इसने जो ना किसी गाड़ी में जैसे 5,000 मिल गए, किसी में 4,000 मिल गए, कुल मिला के इसने जो ना 5-7 लाख रुपए बता रहा है कि भाई अभी ये इसने चोरी किया। पुलिस इसको और पुलिस रिमांड लेंगे, जितना भी होगा डिस्क्लोजर इसकी उसके अनुसार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के औद्योगिक जिले फरीदाबाद में प्रदूषण के स्तर कम करने के लिए कई काम किए जा रहे हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए पुलिस भी अपने स्तर पर कार्रवाई में जुट गई है। पुराने डीजल और पेट्रोल वाहन प्रदूषण का बड़ा कारण माना जाता है। इन पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए है। इसी कड़ी में पृथ्वी सिंह ACP ने बताया कि अब पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने जिले के सभी थाना व चौकी प्रभारी के लिए 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन को जब्त करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। आदेश के मुताबिक शहर में सभी जगह नाके लगाकर पुराने वाहनों पर निगरानी शुरू हो गई है। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। जैसे CP साहब ने आदेश दिए थे, तो करीब करीब ये 10 दिनों से हम इस अभियान को चला रहे हैं। तो इसके अंदर हमने लगभग 10 साल पुराने डीजल के व्हीकल और 15 साल पुराने पेट्रोल के व्हीकल, ये हमने करीब करीब 336 जो है इंपाउंड किए हैं। तो ये टोटल NCR में जैसे भी अपना धुआं ज़्यादा हो रहा है, पोल्यूशन फैल रहा है, उसको रोकने के लिए एक कोशिश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर शासन ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को संप्रदंश राज्य आपदा घोषित करने संबंधी निर्देश जारी कर दिए। इस आदेश के मुताबिक उन्नाव में मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक मुआवजा दिया जा रहा है। उन्नाव के सदर उप जिलाधिकारी ने भी अपने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सर्पदंश और डूबने से मौतों पर सहायता राशि दी जाएगी। सदर उप जिलाधिकारी सत्यप्रीत सिंह ने बताया कि सांप के काटने और पानी में डूबने की स्थिति में मौत को सरकार ने राज्य आपदा घोषित किया है। इस स्थिति में पीड़ित के परिजनों को घटना के 7 दिन के अंदर मुआवजा देने की घोषणा की गई है। देखिए, सर्पदंश एवं किसी भी प्रकार की अप्राकृतिक अननेचुरल डेथ की स्थिति में राजस्व कर्मी तत्काल मौके पर पहुंचते हैं, संबंधित मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचते हैं, प्रथम दृष्टया उसकी जांच की जाती है। सर्पदंश की दशा में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें पहले मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने की दशा में बिस्तरा प्रिजर्व किया जाता था। नवीनतम शासनादेश के आधार पर बिस्तरा प्रिजर्व करने के कारण उसको लाभ से वंचित नहीं किया जा रहा है, बल्कि पंचनामा के आधार पर संबंधित व्यक्ति को 7 दिनों के अंदर अहेतुक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। तहसील प्रशासन के द्वारा 2 दिवस के भीतर प्रयास करके अहेतुक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही है, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।